नियमानुसार बातों को बहुत ही सही से तरीके से देता आपके एक शब्द से राय से बाहर बनता बाहर से राय बनता आपके एक शब्द से जल्दी हुई ज्वाला पे पानी डालने का काम होगा और आपका एक शब्द पानी को ज्वाला में तब्दील कर सकता है। तो किसी भी खबर की जब आप हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप यदि उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां भी कोई घटना घटी है तो आप उसे देखी हुई चीज के अनुसार खबरें चलानी चाहिए। आप उस स्थल पे यदि है और अगर कोई कभी बात छूट जाता है तो दूसरे दिन फॉलो अप में हम उन चीजों को सर्वे करते हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में यदि हमने एक दो गलत कदम उठा दिए तो चंद ऐसे तथ्य डाल दिए जो तथ्य से पड़े हैं तो उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक दिन में बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना रहती है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं एक कदम पीछे रह के पत्रकारिता करता हूँ। हमारे पत्रकार आजाद जी सभी तमाम हमारे मीडिया के भाइयों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और प्रेस दिवस में अपना आपको बधाई देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस के जवाबदेहियों को और एक जिम्मेवार प्रेस के उद्देश्य को लेकर 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तब से लेकर प्रतिवर्ष 16 नवंबर की गई थी और उसको 16 नवंबर 1966 को यह विधिवत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का शुरुआत हुआ था प्रारंभ कर दिया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। यह दिवस स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भय पत्रकारिता का प्रतीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं यह दिवस भारत में स्वतंत्र जिम्मेवार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। स्वतंत्र निष्पक्ष एवं साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश लोग अपने लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। आज इस प्रत्येक वर्ष जो ये जो हम लोग का जो इसका जो विषय का निर्धारण होता है परिचर्चा का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। तो इस वर्ष भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका विषय निर्धारित किया गया है और इसी विषय पर हम लोग
आज पर चर्चा करेंगे। 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी मीडिया का नेशन बिल्डिंग में रोल, और यहाँ पे प्रेस क्लब मधुबनी में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया था। और इसमें जो मीडिया का रोल है नेशन बिल्डिंग में, आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसके पश्चात भी मीडिया का रोल बहुत ही नेशन बिल्डिंग में सराहनीय ही रहा है, और क्योंकि फोर्थ पिलर कहा जाता है प्रजातंत्र का, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अपने देश में स्वतंत्रता और निर्भीक रूप से मीडिया काम कर रही है बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस अवसर पे एक हम लोगों को चिंतन की भी ज़रूरत है कि आज के समय पे जो नए नए बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए हैं मीडियम्स में, उस समय में और जल्दी न्यूज़ पहुँचाने की होड़ लगी रहती है, उसमें एक सेल्फ रेगुलेशन भी करने की ज़रूरत है कि कहीं भी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कहीं गलत न्यूज़ ना जाए या एनालिसिस में कमी ना रहे, क्योंकि एक न्यूज़ हर एक न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, हर एक नागरिक और ये लोग पढ़ते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से जानकारियां मिलती हैं लोगों को, तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव रहता है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से इसमें हर एक चीज़ में काम करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काम कर भी रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से अपने राष्ट्र निर्माण में आप सभी लोग मीडिया के भाई इसमें योगदान करते रहेंगे। अंत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।